देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ये मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और प्रदेश के पुलिस मुखिया आदरणीय डीजीपी सर के मार्गदर्शन में संपूर्ण प्रदेश के साथ साथ गाडरवारा में भी पुलिस जन संवाद का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के सभ्यांत नागरिक, व्यापारी संघों के प्रतिनिधि एवं मीडिया जगत के साथीगण के साथ ये जनसंवाद आयोजित किया गया। जनसंवाद में पुलिस से अपेक्षाओं के विषय पर सुझाव लिए गए। आगामी शिवरात्रि का पर्व, नगर की यातायात व्यवस्था तथा अन्य समस्याएं जिसमें पुलिस का रोल जरूरी है, इन पर सुझाव लिए गए हैं। नगर में CCTV कैमरे के का एक अच्छा सर्किट स्थापित करने के संबंध में भी गहन चर्चा होकर निर्णय लिया गया है और इसमें समयबद्ध तरीके से सबका सहयोग लेकर और पहल करके इन सब व्यवस्थाओं पर पूर्ण रूप से काम किया जाएगा। ये आज के जनसंवाद का बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है और काफ़ी सफल रहा ये जनसंवाद। आने वाले समय में भी इस तरह से जनता के साथ पुलिस का संवाद सदैव बना रहे। सर, नगर में यातायात व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए विशेष जोर दिया गया मीटिंग के दौरान, तो किस प्रकार से व्यवस्थाएं दूर होंगी ट्रैफिक की? एक्चुअली गाडरवारा शहर बड़ा पुराना बसाहट का शहर है और बढ़ती जनसंख्या, वाहनों की संख्या के कारण जो मुख्य शहर है वहाँ यातायात से संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं। आज जैसे सुझाव आए कि कुछ अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में वन वे ट्रैफिक किया जाए, एकांगी मार्ग किया जाए। दूसरा, शहर में जो फुटकर व्यापारी हैं, फल ठेले, सब्जी की दुकानें हैं, सब्जी मंडी के अतिरिक्त शहर के कई हिस्सों में लगती हैं, उन्हें व्यवस्थित कराया जाए, एक स्थान पर किया जाए। ऑटो के जो स्टैंड पूर्व में कभी निर्धारित हुए तो उनका सही पालन हो नहीं रहा है, तो ऑटो संघ की भी हम मीटिंग रख रहे हैं और उसमें ऑटो का भी व्यवस्थित पार्किंग, व्यवस्थित संचालन, इसको भी हम शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से एक सुझाव ये भी आया है कि नगर पालिका और पुलिस का एक संयुक्त अमला पेट्रोलिंग करे और समय समय पर कार्रवाई कर इसको सुनिश्चित करें। सर, जनता को अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से भी इस विषय में अवगत कराया जा सकता है क्या? प्रशासन की ओर से इस तरह का भी कोई प्रोग्राम चलाया जाएगा? जनता को अवेयर करने के सतत प्रोग्राम चलते रहते हैं, चाहे वो साइबर जागरूकता हो, ठगी के मामले हो, यहाँ गाडरवारा में नशे का कारोबार हो, यातायात से संबंधित विषय हो, महिला बालिकाओं के इंस्टीट्यूशंस के आसपास की सुरक्षा हो। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से संदेश है कि कोई भी ऐसी समस्या का विषय हो, पुलिस के जरूर संज्ञान में लाएं ताकि हम उसमें त्वरित कार्रवाई कर सकें।